चार पी आ गए हैं तो अभी क्यों आने लगे इसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी स्टार्ट हो गया है मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डेली ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, कभी कभी इवनिंग से भी हो जाता है, कभी कभी आफ्टरनून से भी हो जाता है। बस तो सुबह सुबह मैं सो के जागी थी तो मैंने कहा रात को बर्तन धो के रख लिए थे तो मैंने कहा उनको सेट कर देती हूँ जगह के जगह और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड अभी आ गया है हमारा खमन, तो इसको बघारना है अभी मुझे। ये कच्चा वाला है, बस सिर्फ पका के दे देते, इसको बघार नहीं दिया है। अगर हम बघार वाला लेते तो उसका अलग हम लोगों को पैसा देना पड़ता, यानी कि अगर ये 80 रुपये किलो आएगा तो वो 160 रुपये किलो आता बघारा हुआ। तो चलिए किस तरीके से बघार लगाते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो मैंने पहले थोड़ा सा धनिया निकाल लिया है क्योंकि धनिया का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और तेल हमने गरम कर लिया है, तेल में अब हम डालेंगे राई। राई को थोड़ा सा तड़कने देंगे और उसके बाद हम खमन डाल देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो और ज़्यादा अच्छा, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं इसमें ऐड किया है, डायरेक्टली बस तेल डाला, तेल के बाद फिर उसमें राई और राई के बाद फिर इसमें खमन ऐड कर दिया है। और इस तरीके से इसको थोड़ी मतलब गैस को थोड़ा कम करके उसके बाद इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक चलाना है और फिर हमारा खमन हो जाएगा रेडी। अगर हम इसको कच्चा खाते हैं ना, इसी तरीके से डायरेक्ट लाते हैं कच्चा खाते हैं तो ये गले में अटकने लगता है, नहीं मतलब खाया नहीं जाता है। और ये देख ले, तो फ्रेंड आज की वीडियो में बहुत खास है, ख़ास वीडियो है जो भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं फैमिली है उनके लिए। तो मैं बता देती हूँ क्या है। तो आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है वो सीक्रेट कि अब मेरे वीडियो पर व्यूज़ क्यों आने लगे हैं। पहले तो 10, 50, 100 आके रह जाते थे, अब 100, 200, 250, 300, 400 व्यूज़ आ जाते हैं हमारे। तो क्या सीक्रेट मैं अपनाती हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो हमारा लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए खमन हमारा रेडी हो चुका है, उसमें हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करके अब मैं लगा दूँगी प्लेट्स। आप लोग भी आ जाइए जिस जिसको खमन पसंद है, मेरे ख्याल से तो हर किसी को पसंद है। मैं जहाँ भी जाती हूँ कहीं भी तो हर कोई बोलता है कि सूरत का खमन बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का गुजरात का खमन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये देख लीजिए मैं प्लेट्स लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं रख लेती हूँ खमन, ठीक है, और खमन के साथ तली हुई मिर्चियाँ भी आती हैं, चाहे आप तला हुआ खमन लो या फिर आप सादा खमन लो फिर भी। तो ये देख लीजिए सादा खमन ले लिया है मैंने, मतलब तला हुआ खमन तल के ले लिया है। और उसके बाद ये देख लीजिए तली हुई मिर्ची, और उसके बाद इस पर हम डालेंगे सेब। ये सेब हमको अलग से लेने पड़ते हैं 10 रुपये के, मतलब जितना बड़ा पैकेट लेना चाहो उस हिसाब से, लेकिन हमने 10 रुपये की ही मंगाई थी थोड़ी सी। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे सेब और फिर लेंगे हम चटनी। चटनी आज उसने बहुत कम दे दी थी, 2 पैकेट देता तो थोड़ा अच्छा लगता मुझे, ज़्यादा चटनी के साथ खमन खाना अच्छा लगता है। बट जो लेने गया था उनको नहीं पता था कि कहना पड़ता उनसे कि आप दूसरी और चटनी दो तब वो देते, अपने आप नहीं देते हैं दुकान वाले कोई भी हो। तो ये देख लीजिए प्याज भी मैंने कट कर लिया फटाफट से, प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप हम चटनी को भी निकाल लेते हैं और फिर हम नाश्ता करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों से मुझे थोड़ी सी बातें करनी है इसलिए। और आज संडे है तो खाना तो हमारा दोपहर में ही बनेगा, तो क्या बनाती हूँ खाने में वो भी आप लोग देख लीजिए। तो आ जाइए, प्लेट हमारी हो गई है रेडी, तो नाश्ता करने के लिए आप लोग भी आ जाइए, चलिए फटाफट से। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ मैं आप सब लोगों का अपने चैनल एमपी ब्लॉग समझ में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है संडे का, तो संडे को मैं जस्ट सारा काम झाड़ू पोंछा करके नहा धो के आ गई हूँ, और पूजा आज हमारे घर होगी नहीं क्योंकि हमारे फैमिली में, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हमारी फैमिली में मेरे देवर को लड़का हुआ है तो पूजा वूजा होने वाली है नहीं। बस जस्ट मैं बाल धो के आ गई हूँ और अभी दोपहर में बनने वाला है खाना। वैसे तो सुबह का नाश्ता हो चुका है, सुबह के नाश्ते में हमने बनाया था खमन, मंगाया था बाहर से तो बस वही खाया है। तो अभी बनने वाले दाल चावल, और बस मेरे हस्बैंड अभी दोपहर के बाद काम पर, मतलब काम से आएंगे, क्या पता कितने बजे आते हैं, देखती हूँ कितने बजे आएंगे, फिर पहले ही बना के रख दूंगी मैं दाल चावल रोटी दोनों तीनों चीजें, और फिर फ्री होके। और कल मैं बोल रही थी कि एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करूं, और लेकिन फिर मैंने सोचा वीडियो बन गया है, मैंने बना भी लिया था, एडिट भी कर लिया था, तो मैंने कहा चलो अपलोड कर ही देती हूँ। अगर नहीं होगा, जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, मतलब एडिट नहीं हो पाएगा, उस दिन मैं एक दो दिन छोड़ के कर दिया करूंगी, और क्या करूँ है ना। वैसे तो मैनेज करती हूँ डेली के डेली
वीडियो अपलोड करूं, डेली की डेली आप लोग के साथ मिलती रहूं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, किसी कारण बस नहीं हो पाता। तो चलिए आज मैं आप लोगों से कुछ एक राज की बात बताने वाली हूं कि मेरे वीडियो पे अचानक मतलब इतने व्यूज, पहले तो 100, 50, 60, 70, 80, 110 भी नहीं आते थे, 100 के अंदर ही व्यूज रह जाते थे। तो अभी मेरे वीडियो पर क्यों इतने व्यूज आने लगे, 200, 250, किसी पे 500, किसी पे 1000, किसी पे 2000 भी आ गए हैं, तो अभी क्यों आने लगे इसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में, मुझे लेट हो रहा है, मुझे खाना बनाना है पहले, फिर चैन से आप लोगों से बातें करूंगी। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं करीबन 1, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं 2 से 2:30 बजे तक आ जाऊंगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खाना पका के रख देती हूँ, वरना क्या होता है कि खाने की लगी रहती है तो ना तो हम सो पाते ना ही हम आराम कर पाते, क्योंकि हम लोग को खाने की पड़ी रहती है। इसलिए तो ये है हींग जो मैं मेरे गांव से लेकर आई थी, बिल्कुल छोटी सा टुकड़ा डालेंगे ना, बहुत मामूली सा राई जैसा टुकड़ा, तो अभी वो पूरे दाल को अच्छे से खुशबूदार बहुत अच्छी बनाएगा। तो ये हींग में बहुत मतलब ऐसा लगता है मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल दी ना तो सब्ज़ी कोई कड़वी ना हो जाए, तो बहुत कम डालती हूँ मैं। तो दाल को मैंने पहले ही से उबाल लिया था, और उसके बाद देख लीजिए मैंने तेल गरम करके भगोने में उसमें हमने जीरा राई डाल दिया, हींग को भी डाल देती हूँ, और उसके बाद हमने प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची को पहले इसमें भूनेंगे, और फिर उसके बाद इसको ये भुन जाएगा ना तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तब तक हम अपने धनिया क्लीन कर लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो आज क्या बनाने वाली हूँ मैं, दाल चावल और रोटी। तो यही है हम मिडिल क्लास फैमिली लोग का खाना, और अगर हम रोटी मतलब दाल बनाते हैं तो दाल से ही रोटी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब्जी अलग से चाहिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, और आप लोग बताइएगा आपके यहाँ आज क्या बना है। मेरे यहाँ तो दाल चावल बने, भाई संडे का दिन है आज, दाल चावल ज़्यादातर हम लोग संडे में ही बनाते हैं, कढ़ी चावल, दाल चावल, छोले चावल, ये चीज़ें ज़्यादातर हम लोग संडे को ही बनाते हैं। तो ये देख लीजिए मसाला हमारा बन चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ी देर में ऐड कर देंगे टमाटर भी, और टमाटर को भी थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा गल जाएगा तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे हमारे मसाले, यानी कि ये देख लीजिए लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, और उसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। नमक तो हम जब दाल को उबालने के लिए रख देते तभी डाल देते, थोड़ी सी हल्दी तो पहले भी डाल देते हैं, बट थोड़ी सी मसाले में ऐड कर देते ना जिससे कि मसाले में कलर आ जाता है। तो ये देख लीजिए, तो दाल हमको थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके और हम ऐड कर देंगे तो थोड़ी सही हो जाएगी। थोड़ी थिक ज़्यादा लग रही है और दाल मुझे थोड़ी कम सी भी लग रही थी इसलिए, क्योंकि वो गाढ़ी हो गई थी इसलिए। ये देख लीजिए, तो थोड़ा सा पानी गर्म करके हम दाल में ऐड कर देंगे, तो किससे क्या होता है कि दाल और पानी अलग अलग नहीं भागेंगे, अगर हम इसमें दाल में ठंडा पानी ऐड करेंगे ना तो पानी अलग भागेगा, दाल अलग भागेगा। तो ये भी एक सीक्रेट है, आप लोगों को बता देती हूँ मैं कि आप लोग की दाल कभी भी गाढ़ी बने ठीक है, और आप लोगों को उसको पतला करना है थोड़ा, तो हमेशा उसमें गर्म पानी ऐड करें, ठंडा बिल्कुल भी ना करें, वरना अलग अलग भाग जाएगा, पानी अलग दाल अलग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। धनिया ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हमको छौंकना है चावल, तो चावल को फटाफट से छौंक लेते हैं, जिससे कि बहुत अभी 1:30 बज रहे होंगे करीबन, तो इसको मैं रख देती हूँ दूसरे वाले गैस पे, धीरे धीरे थोड़ी सी उबल जाएगी 1 से 2 मिनट तक, और दाल हमारी हो गई रेडी। तो मुझे घी में चावल छौंकने थे, बट क्या हुआ इस कट्टी में घी था, घी उसमें चुपक गया, नीचे निकल ही नहीं रहा था। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक सा ही मौसम है, गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा, गर्मी होती तो घी पिघला हुआ होता बट नहीं है, तो इसको इस तरीके से थोड़ी देर मुझे यहाँ पे पिघलाना पड़ेगा, और उसके बाद में घी में चावल छौंकूँगी तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। ये देख लीजिए इस तरीके से, तो मैंने गैस को फुल रखा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए पिघलने लगा घी दोनों साइड से, तो ये देख लीजिए निकाल लेती हूँ इसमें से, जितना अभी चाहिए उतना निकाल लेती हूँ, कुकर को रख देती हूँ गर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं एक ही बात बोलूँगी आप लोगों से, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो लाइक क्यों किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। फ्रेंड आप लोग करते नहीं हो, ऐसे भाग जाते हो। तो ये देख लीजिए चावलों को मैं अच्छे से धो लेती हूँ 2 बार, और उसके बाद मैंने कुकर भी हमारा गर्म हो चुका है, घी हमने डाल दिया था उसमें,
और घी के बाद जीरा ऐड कर दिया है। जीरे के बाद अब हम चावल ऐड करेंगे। आप लोग चावल कभी भी डाल बनाते हो तो अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते हो, तेल में भी बनाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप एक चम्मच तेल ऐड कर दो, थोड़ा सा उसमें जीरा ऐड कर दो, फिर उसके बाद चावल चौंकोना, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा चावलों का और चावल एक एक हो जाएंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है और चावलों को भी हम चलाएंगे। अभी हमने आज क्या किया था, बिना नाप के चावल ले लिए थे, बिना नाप के ही हमने पानी ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने चावल। तो गैस कर दिया बंद दाल वाली हमने, और ये देख ले अंदाजे से, वैसे हमेशा मैं नाप के डालती हूँ, आज मैंने इसी तरीके से अंदाजे से पानी डाल दिया है। नमक ऐड कर दूँगी और ढक्कन बंद करके रख देती हूँ, फिर पकने का करती हूँ वेट, फिर बनाऊँगी रोटियाँ। रोटी का क्या आप लोगों को दिखाऊँ, रोज़ रोज़ एक ही चीज़, आप लोग भी देख देख के बोर हो गए। मैं आप लोगों से बस यही बात करने वाली हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे आपका अचानक मतलब सब्सक्राइब तो नहीं बढ़े लेकिन थोड़ी बहुत व्यूज कैसे बढ़े, आपने ऐसा क्या ट्रिक आजमाया है जिससे कि मेरा मतलब व्यूज आने लगे। तो मेरा यही ट्रिक है कि पहले मैं जो भी मर्जी आती थी वही वीडियो अपलोड कर देती थी, यानी कि कोई कभी रेसिपी तो कभी कहीं घूमने जा रहे हैं वो, और कभी डेली रूटीन। तो ऐसा अब मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि कैसे वीडियो हम लोगों को अपलोड करना चाहिए। अगर आप लोगों का वीडियो मतलब आप लोगों का चैनल डेली रूटीन से आप अगर आप लोग अपने चैनल पे डेली रूटीन शेयर करते तो सिर्फ डेली रूटीन ही शेयर करो, अगर खाने की कोई चीज रेसिपी शेयर करते तो रेसिपी ही शेयर करो। तो बस मैंने वही सोचा है कि मैं भी डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ ना, जब से मेरे व्यूज बढ़ने लगे। और दूसरी बात, मैं कंटिन्यू वीडियो मतलब कंटिन्यू यूट्यूब पे ध्यान दे रही हूँ, दूसरे के वीडियो बराबर देखती हूँ और बराबर अपना वीडियो भी अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, डेली कोशिश करती हूँ कि मेरा वीडियो जाए। तो बस यही है, मेरी मेहनत थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है। जिस दिन मेरा अभी तो 5K कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा, अभी तो छोटी सी सफलता की छोटी सी सीढ़ी है, मुझे बहुत ऊपर तक जाना है चलते चलते। बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, बस मैं सब लोगों को एक तरफ से सब लोगों को सपोर्ट करूंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं बनाती हूँ, मेरा मतलब अभी हस्बैंड आए नहीं है और आ जाएंगे, फिर हम लोग खाना खा पी के देखते हैं शाम का हमारा क्या प्लान होता है। तो जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है।